अरे मधु, क्या अभी तक नायरा का बुखार नहीं उतरा? अरे नहीं भाभी, अभी कहाँ उतरा है नायरा का बुखार, पता नहीं कब ठीक होगा, कहीं हमको डॉक्टर को ना बुलाना पड़े। अरे तुम चिंता मत करो, अगर उसका बुखार नहीं उतरा तो मैं डॉक्टर को बुला दूंगी। हाँ भाभी, चिंता तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी। अरे मम्मी, आज तो आपने घर की सफाई करनी थी ना? हाँ बेटा, करनी तो थी, लेकिन तुम्हारी बुआ तो नायरा का ध्यान रख रही है और अकेले मैं कर नहीं पाऊंगी। अच्छा मम्मी, आप रुकिए, मैं अभी बुआ को भेज देती हूँ। अरे बुआ, आप नायरा की चिंता मत कीजिए, मैं नायरा का ध्यान रख लेती हूँ, और आप जाके मम्मी की मदद कर दीजिए घर साफ करने में। अच्छा ठीक है रिया बेटा, मैं अभी चली जाती हूँ। चलो मैं नायरा का ध्यान रख लेती हूँ। और रिया, अगर तुमको थोड़ा सा भी लगे ना कि उसका बुखार बढ़ रहा है तो मुझे बता देना, हम डॉक्टर को बुला लेंगे। ठीक है बुआ, मैं बता दूंगी। चलिए भाभी सफाई कर लेते हैं, बड़ा ही गंद मचा हुआ है यहाँ पर तो। ये देखो मधु, यहाँ पर तो कितना गंद है, हमें जल्दी से इसको साफ करना होगा। अरे भाभी थोड़ी देर रुकी, मैं तो ये सामान हटा कर ही बहुत थक गई हूँ, पता नहीं ये सफाई कैसे करूँगी। अच्छा तुम आराम करो, मैं अभी जल्दी से यहाँ पर झाड़ू मार देती हूँ। अरे यहाँ पर तो बड़ा ही कूड़ा आ गया है, मुझे जल्दी से इसकी सफाई करनी होगी, यहाँ तो बड़ी ज़्यादा पत्ते आ गए हैं। जल्दी करती हूँ, फिर सारा सामान वापस भी रखना है उसकी जगह पर। अरे वाह भाभी, आपने तो बड़ी अच्छे से झाड़ू मारा है, देखिए सब कुछ साफ हो गया है। अरे ये सब छोड़ो और आओ मेरे साथ, ये सामान वापस रखाओ। अरे मैं तो बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, चलो जाके थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। अरे काफ़ी देर होगी मैंने नायरा का मत्था नहीं छुआ, कहीं उसको बुखार तो नहीं हो रहा है, जरूर छू कर देख लेती हूँ। अरे नायरा का मत्था तो गर्म लग रहा है, मैं अभी बुआ को बुला लेती हूँ। अरे बुआ ज़रा इधर तो आइए, देखिए ना नायरा का मत्था गर्म लग रहा है, आप आकर एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा ठीक है रिया बेटा, मैं अभी आई। अरे नायरा का मत्था तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है, मुझे अभी डॉक्टर को बुलाना चाहिए। अरे भाभी आप कहाँ हैं, जल्दी इधर आइए। अरे भाभी आप कहाँ हैं, जल्दी इधर आइए। अरे क्या हुआ मधु, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे भाभी मैं कह रही थी कि आप जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन कर दीजिए, वो जल्दी से आ जाएंगे, नायरा का मत्था बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है, मुझे लगता है कि उसको बुखार हो रहा है। अच्छा ठीक है मधु, तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुला देती हूँ फ़ोन करके। सभी लोग बहुत ही चिंता में हैं और नायरा के आसपास बैठे हुए हैं और डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अरे ये डॉक्टर अभी तक आई क्यों नहीं, कब का फ़ोन कर रखा है? अरे तुम चिंता मत करो मधु, डॉक्टर बस आती ही होगी। अरे यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा है। अरे मम्मी वो देखिए डॉक्टर आ गए। अरे रिया बेटे तुम एक काम करो, जल्दी से उनको इधर बुला कर ले आओ। ठीक है मम्मी मैं अभी जाती हूँ। अरे डॉक्टर जी इधर आ जाइए मेरे साथ। अच्छा ठीक है मैं अभी आ जाती हूँ। अरे आप लोग ज़रा साइड हट जाइए, मुझे पेशेंट को देखने दीजिए। जी ठीक है डॉक्टर जी, हम अभी साइड हो जाते हैं। चलो मैं पर्स अपना रख देती हूँ यहाँ पर। अरे लगता है इन्हें बुखार हो रखा है।
अरे आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा ठंडा पानी और कपड़ा ले आइए जल्दी से। जी ठीक है डॉक्टर जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए डॉक्टर जी। जी देखिए, इन्हें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा बुखार ही हो गया है। और जो मैंने इनके मत्थे पर ये पट्टी रखी है, इसे बार बार आप ठंडे पानी में डुबोकर इनके सर पे रखते रहना, इससे इनका बुखार उतर जाएगा। जी ठीक है डॉक्टर जी, मैं ऐसा ही करूँगी। चलिए ठीक है, मैं चलती हूँ, अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो मेरे को बुला लीजिएगा। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती हैं। चलो अब मैं जाके घर के काम कर लेती हूँ। मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा, बाय। ठीक है रुद्राक्ष बेटा, जल्दी आ जाना खेलकर। अरे काफ़ी देर हो गई है और ये पट्टी भी गर्म हो गई है, चलो मैं जल्दी से इसको ठंडे पानी में भिगा देती हूँ और फिर से नायरा के सर पे लगा देती हूँ। अरे लगता है कि नायरा सो गई है, मैं चली जाती हूँ, नहीं तो ये उठ जाएगी। तो दोस्तों यही था हमारी शालू की कहानी का आज का पार्ट। मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।